हमारे जिले बीदर के सीनियर कांग्रेसी कायद जनाब बशीरुद्दीन साहब फरीज़े हज की अदायगी के लिए उनका नाम की खतियत हुई है जो तेलंगाना से अप्लाई किए थे, वो इंशाल्लाह हज के लिए अल्लाह ताला के पास कबूलियत हासिल हुई है, वो हज के लिए जाएंगे। आज उसके लिए यहाँ पे यहाँ के एक होटल में हमारे अजीज़ दोस्त राजशेखर पाटिल साहब ने एक दावत का अहतमाम किया था। उनकी दावत में आज जो देखने में आया, हमारे देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है, ख़ासतौर पे हमारे बीदर का जो माहौल है, हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे का माहौल यहाँ देखने में आया, और ख़ास तौर पे जनाब बशीरुद्दीन साहब का जिंदगी भर हमेशा तमाम लोगों के साथ उनके ताल्लुकात रहे हैं और बड़े अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात मेंटेन किए हैं। वो मैं इस मौके पर जनाब बशीरुद्दीन साहब को दिल की गहराइयों से ये उनका जो सर्विस में नाम आया है इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी दुआओं में हम तमाम लोगों को जो बीदर में उनके चाहने वाले हैं, उनके करीबी लोग हैं, उनका गाँव में ख्याल रखें, और आप सेहत बासेहत जाएं और सेहत के साथ वापस आएं और हमारे बीच में और आप क़यादत करते रहें, ये उम्मीद करता हूं। हमारे बुजुर्ग बीदर डिस्ट्रिक्ट के सीनियर लीडर श्री बशीरुद्दीन हालेपरगा साहब जो हज के यात्रा पर जा रहे हैं, हम पूरे दोस्त उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं और उनकी सेफ यात्रा के लिए हम मनोकामना करते हैं। बात करिए। अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब नमस्ते। आज यहाँ पे हम सब जमाने का मकसद हमारे बुजुर्ग बशीरुद्दीन हालेपरगा साहब जो हज के लिए जा रहे हैं, हमारी दिली तमन्ना है उनका ये सफ़र उनके फैमिली के साथ आसान हो, हम सब के लिए, हमारे देश के लिए आप जाकर वहाँ पे दुआ करें। तो ये बड़े खुशी की बात है, आप सियासी ज़िंदगी में अपना वक्त बीदर में बहुत सा दिए हैं और आपकी जो है क़यादत में हम भी आपसे कुछ सीखे हैं कि सियासत में कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो लिहाजा अल्लाह ने जो आपको मौका दिया है उस मुकाम पे जाकर हम सब के लिए आप दुआ कीजिए। और मैं एक शेर के साथ यहाँ पे अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि इरादे बनते हैं टूट जाते हैं, इरादे बनते हैं टूट जाते हैं, मदीना वही जाते हैं जिन्हें आखा बुलाते हैं।